हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे एसके एकेडमी रावला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि 12th क्लास के बच्चों की हमारे जो आईडीएफ यानी सेकंड चैप्टर जो हमारा उसकी क्लास चल रही थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किस प्रकार से इन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बताया किस रेंज के अंदर वो इन्वर्टिबल होंगे, ठीक है, या किस रेंज के अंदर जो 1, 1, 1, 2 होंगे, ठीक है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि कोई भी फंक्शन है वो इन्वर्टिबल कब होगा जो पहले 1, 1, 1, 2 होगा, ठीक है। उसकी हमने रेंज और डोमेन को इस तरीके से जो है फिक्स किया ताकि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे क्या हो जाए उसमें, उस रेंज के अंदर क्या हो जाए हमारे 1, 1, 1, 2 हो जाए। तो मैं इधर सबसे पहले जो है वो रेंज लिखूंगा, ठीक है। यदि आपको याद नहीं है तो हम उस साइड में रेंज लिख रहे हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट ऑफ था साइन इनवर्स एक्स, उसकी जो रेंज थी हमारी पीवीआर वो क्या थी, -π/2 से π/2, ये हमारी क्या थी साइन इनवर्स एक्स की रेंज थी, ठीक है, पीवीआर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज। एंड उसके बाद में जो कॉस इनवर्स एक्स था उसकी 0 to π थी, फिर टेन इनवर्स एक्स में -π/2 से π/2 थी, ठीक है। उसके बाद में कॉट इनवर्स एक्स के अंदर 0 to π ओपन इंटरवल में था, फिर सेकेंड वर्स के अंदर हमारे पास 0 to π और माइनस हमने क्या किया था π/2 किया था, ठीक है। उसके बाद में वो सेकेंड वर्स के अंदर -π/2 से π/2 और हमने माइनस क्या किया था 0। तो ये हमारे छह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इस रेंज के अंदर जो है वो 1, 1, 1, 2 होंगे, ठीक है, और 1, 1, 1, 2 है तो इन्वर्टिबल होंगे यानी प्रतिलोमीय फलन होंगे, ठीक है। अब हम कुछ जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज के अंदर काम देने वाले हैं तो हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आपको ये पता होगा कि साइन कॉस टेन सेक कोसेक के अंदर जब नेगेटिव नंबर आते हैं वो मैंने आपको बता दिया था कि कॉस और सेक के अंदर बाहर नहीं आएगा नेगेटिव साइन, बाकी सभी के अंदर नेगेटिव साइन बाहर आता है। उसी प्रकार से हमारे साइन इनवर्स के अंदर ये फॉर्मूले हमारे आपको नोट करने हैं साथ के साथ। साइन इनवर्स के अंदर यदि आपके पास माइनस आए तो माइनस इसमें बच्चों बाहर आएगा, माइनस इसमें क्या है साइन बाहर आएगा, ठीक है। सेकेंड वाले यदि आपके पास कॉस इनवर्स के अंदर माइनस एक्स आए तो आप क्या करोगे पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स करोगे, क्या करोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करोगे। उसके बाद में यदि मान लिया टेन इनवर्स के अंदर यदि आपके पास माइनस एक्स आए तो इसमें माइनस क्या है बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पर यदि आपके पास कॉट इनवर्स एक्स में माइनस आए तो आप पाई माइनस करके लिखोगे इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद यदि आपके पास सेकंड वर्स में माइनस एक्स आए तो इसमें से भी पाई माइनस क्या करोगे सेकंड वर्स एक्स करोगे, ठीक है। उसके बाद में यदि कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस एक्स आए तो आप क्या करोगे बच्चों माइनस इसमें से क्या है बाहर आ जाए। तो ये फॉर्मूले हैं छह के छह, आपको याद होने चाहिए, हमारे फर्स्ट पर्सन के अंदर जो काम देने वाले हैं बच्चों, ठीक है, अच्छे फॉर्मूले हैं इसे आप नोट कीजिए। ये है हमारा टाइप नंबर फर्स्ट के फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं टाइप नंबर सेकेंड, टाइप नंबर सेकेंड में क्या है बच्चों कि यदि आपके पास मान लिया ऐसा कुछ लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स तो आपको इसकी वैल्यू एक्स मिलेगी, इसकी वैल्यू एक्स मिलेगी कब मिलेगी यदि एक्स जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। इस चीज को आप समझो बच्चों कि यदि आपके पास साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स मिलेगी जब कब मिलेगी जब एक्स जो है वो कहां से बिलोंग करेगा -π/2 से π/2।
पाई बटा टू के। इसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी एक्स मिलेगी यदि ये कहां से बिलोंग कर रहा होगा, यहां से, ठीक है। फिर इसी प्रकार से टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू भी आपको एक्स मिलेगी, कब मिलेगी जब ये यहां से बिलोंग करेगा। उसके बाद थर्ड में फोर्थ में कोट इनवर्स कोट एक्स की वैल्यू एक्स मिलेगी, कब मिलेगी जब आपके पास ये चीज आएगी। उसके बाद में हमारे पास सेकंड वर्ष में सेट एक्स की वैल्यू आपको एक्स मिलेगी, कब मिलेगी जब ये चीज मिलेगी आपको एक्स बिलोंग करेगा वहां से। कोसेकंड वर्ष कोसेक एक्स के अंदर आपको एक्स मिलेगा, कब मिलेगा जब यहां से बिलोंग करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे फॉर टू फॉर वाले आपको याद रखनी है ये, ठीक है। आपको ये याद हो गए तो आपके जो है यही फॉर्मूलों बेस एक जो है प्रश्न आएगा पेपर में, ठीक है। तो अपने यदि फॉर्मूले याद हो गए तो अपने सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसे लिखिए, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। जो हमारा तीन नंबर टाइप है बच्चों वो ये है कि यदि आपको ऐसा कुछ मिले साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे, पाई बटा टू लिखो, क्या लिखोगे, पाई बटा टू लिखोगे। एंड ये तो इसमें ये पार्ट है, बी पार्ट इसमें क्या आएगा, यदि आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स मिले तो आप उसकी जगह पाई बटा टू रख दो बच्चों। सी पार्ट है इसका, यदि आपको सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स मिले तो आप इसकी जगह भी क्या रख दो बच्चों, पाई बटा टू रख दो। आगे लगा लो बताओ, ठीक है। तो ये तीन है हमारे पास, ठीक है। तीन के तीन जो आपको फॉर्मूले जो है इसी टाइप के अंदर, थर्ड टाइप के अंदर जो याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर फोर की, उसके अंदर हम बात करेंगे जो टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है। यदि आपके पास ऐसा कुछ आए टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस, ठीक है, तो ध्यान से रखना। और इधर क्या है आपके पास टेन इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला आपको क्या लगा बच्चों, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड में वन माइनस एक्स, ठीक है। यहां प्लस आए तो माइनस, ठीक है, और यहां माइनस और यहां पे प्लस। ध्यान से बच्चों किस प्रकार से, यदि ऊपर प्लस आए तो आप प्लस रखोगे ऊपर, नीचे माइनस, यदि माइनस आए ऊपर माइनस रखोगे नीचे प्लस, ध्यान रखना। उसके बाद में ये कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास पांच नंबर जो टाइप है इसी के अंदर यदि मैं आपको लिखवा दूं टाइप, तो टाइप हुआ है कि मैं आपको इस साइड में लिखवा रहा हूं। यदि आपके पास में टू टेन इनवर्स एक्स आए, क्या है टू टेन इनवर्स एक्स आए, तो उसके जो फॉर्मूले हैं वो कितने होते हैं आपको मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ फॉर्मूला जो है वो ये होगा टेन इनवर्स यहाँ पे टू एक्स डिवाइड में वन माइनस एक्स, ठीक है। टू टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स, उसके यदि आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको यदि टेन इनवर्स एक्स के अंदर चेंज करना है तो आपको फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यदि बच्चों आपने साइन इनवर्स एक्स के अंदर चेंज करना है तो आप क्या करो, टू एक्स डिवाइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स है उसको यदि आपने साइन इनवर्स एक्स में चेंज करना है तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, यदि मान लो आप कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करना है तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है बच्चों। टू टेन इनवर्स एक्स के तीन के तीन फॉर्मूले आपने नोट करने हैं जल्दी से और याद होना चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम टाइप नंबर फाइव की,
राइट नंबर 5 के अंदर हम पढ़ेंगे, यदि आपके पास ऐसा कुछ आया साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस साइन ऑफ वाई, तो इसका फॉर्मूला आप क्या लगाओगे? इसका फॉर्मूला थोड़ा इधर देखिए, इसकी जगह पे आप ये रखोगे साइन ऑफ, यहां एक्स रूट में आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद यहां आएगा प्लस माइनस, तो यहां पे वाई और रूट में आएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। यदि आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई आए तो आप क्या करोगे? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम उसी के नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो यदि आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, यदि आपने इसको साइन में चेंज करना है तो आप क्या करोगे बच्चों? साइन इनवर्स 2 एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे, 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, को अपने साइन इनवर्स में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला याद रखोगे 2 एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूले यदि आपको याद रहेंगे तो थोड़ा प्रश्नों को करना इजी रहेगा, फॉर्मूले यदि याद नहीं रहेंगे फिर भी हम प्रश्न कर पाएंगे, वो किस प्रकार से कर पाएंगे, ठीक है, मैं उसका आपको तरीका बताऊंगा। यदि मान लिया आपके पास क्या आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है, उसकी जगह फॉर्मूला लगाओगे साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x की क्यूब। यदि मान लिया आपके पास ये आ गया 2 cos इनवर्स एक्स आ गया तो आप फॉर्मूला लगाओगे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यदि मान लिया आपके पास ये चीज आ गई 2 cos इनवर्स 3 cos इनवर्स x आ गया तो आप क्या लगाओगे? cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस में 3x। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है। लास्ट टाइम दो फॉर्मूले बचे हैं, ठीक है, उनको मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, इस साइड के आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला जो बचा है, यदि आपके पास cos इनवर्स प्लस माइनस, यहां आपके पास क्या लिखा cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y, तो उसकी जगह क्या फॉर्मूला क्या लगाओगे? cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस, ध्यान रखना बच्चों cos इनवर्स x प्लस माइनस आए तो साइन अगर फॉर्मूले में चेंज होगा माइनस प्लस आएगी, यदि प्लस तो माइनस, यदि माइनस तो प्लस, यहां क्या आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला है तो आपने ये इसमें यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में मान लिया 3 tan इनवर्स x फॉर्मूला पूछ ले, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x 3x माइनस में x के क्यूब डिवाइड में 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x की स्क्वायर। इतने सारे फॉर्मूले आपको यदि याद हैं तो हम अपनी एक्सरसाइज के तरफ बढ़ेंगे अभी, ठीक है, और उसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक या दो दिन के अंदर जो है हमारी जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं सारे के सारे आपको याद करने हैं, रिवाइज करने हैं। तो हमारी ये शायद थर्ड क्लास है, ठीक है, फंक्शन बताया मैंने, उसके बाद में आईडीएफ यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इन्वर्टिबल किस प्रकार से होते हैं, फंक्शन 1 1 1 को कैसे होता है, वहां से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और परसों तक जो है हमारी यहाँ 3 क्लास के अंदर यदि हम और 3 क्लास और लगाएंगे तो हमारी ये एक्सरसाइज कम्प्लीट हो सकती है। आपको साथ साथ जो है इसके नोट्स तैयार करने हैं और फॉर्मूले याद रखने हैं ताकि आपको करने में क्या थोड़ी आसानी हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।